अब देखिए बरसात के इस मौसम में आप कहीं जा तो सकते नहीं है, ऑफिस पहुंच गए हैं तो ऑफिस में बैठ जाइए, घर पे हैं तो घर पे बैठिए और बैठ कर ना दिल की बातें कर लीजिए। जैसे कि सीरियल कथा में वान्या और मियान कर रहे हैं, अब मियान को ये पता लग गया है कि वान्या जो है उसकी बहन है, तो आप सारे गिले शिकवे जो हैं और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेते हैं। तो बड़ा ही सीरियस मैटर हो गया है। विवियन को अब ये पता चल गया है कि वान्या उसकी बहन है। अब बचपन से विवियन की माँ ने जो विवियन को कहानी सुनाई है उसके पिता और सीमा को लेकर वो तो भाई उसी कहानी को सच मानकर बैठा है। उसे लगता है कि सीमा दत्ता ने उसकी मम्मी की जिंदगी खराब कर दी है। वहीं दूसरी ओर वान्या उसे बता रही है कि जो आपको बताया गया है क्या वो पूरा सच है आपको लगता है। अब जिन बातों को सुन सुनकर व्यान बड़ा हुआ है वो तो उसी को सच मानेगा। वो एक इंसान जब एक ही चीज़ लेकर अंदर बड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं हमेशा डिनायल में रहता है। अभी व्यान के साथ भी वही है कि वो डिनायल में ही है कि ये सही हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको एक्सेप्ट करने में। अभी आई थिंक वो जब सारे पहलू उसके देखेंगे तब भी डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको जितना पता है क्या वही सब सही है या उसके अलावा भी कुछ है जो सही हो सकता है, तो ठीक है आई थिंक थोड़े टाइम में उनको पता चल जाएगा और रियलाइज़ हो जाएगा। आज व्यान और वान्या खूब सारी बातें कर रही हैं, एक दूसरे को सवाल जवाब कर रही हैं, लेकिन बहुत ही शांति से। वान्या को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसको दौलत भी नहीं चाहिए, उसे केवल अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। और अब तो इसमें कथा भी इन्वॉल्व हो गई है। वान्या को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, उत्कौन के हिस्से में इंटरेस्ट नहीं है, उसको रघुवंशी नाम से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पैसों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि उसकी मम्मा को इंसाफ मिले जो भी इतने साल पहले हुआ है और मीडिया में इतना नाम बदनाम किया गया है, तो वो उसके लिए वो इंसाफ चाहती है कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था या इट वॉजेंट किसी मतलब से या उत्कौन में हिस्से प्रॉपर्टी के लिए ये अफेयर करा नहीं गया था, इट वॉज़ अ जेन्युइन प्योर लव। वो बस इतना चाहती है कि ये एक्सेप्टेंस मिल जाए कि हाँ उनका प्यार सच्चा था। एक कथा इन दोनों भाई बहन की बातें भी सुन रही है। अब जो भी सॉल्यूशन निकालना होगा वो कथा और व्यान दोनों को मिलकर निकालना होगा। और व्यान आप अपनी माँ से ना ही पूरा सच जरूर जानना ही, क्योंकि वान्या जो कह रही है वो सच है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।